मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीजी चिकन मसाला पाव। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट से बन जाती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक पैन में एक चम्मच बटर डालूंगी। ये अमूल का गार्लिक बटर है, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैं एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्ची डालूंगी, इसे मैं थोड़ा सा भून लूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, इसका क्रिस्पीपन ख़त्म नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक हरी मिर्ची, ये ऑप्शनल है। एक छोटा कांदा डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ। यहाँ पे मैं चिकन ली हूँ एक कटोरी बॉईल किया हुआ, इसको मैं बॉईल कर ली हूँ कुकर में 2 से 3 सीटी लगा करके। अभी इन सभी चीज़ों को मैं भून लेती हूँ। इसे थोड़ा सा ही भुनना है, कांदा और शिमला मिर्ची का क्रिस्पीपन ख़त्म नहीं करना है। स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैं एक बाउल में इसे निकाल लूंगी। बाउल में निकालने के बाद मैं मसाला ऐड करूंगी। आधा चम्मच ऑरेगानो डालूंगी, एक चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डालूंगी, एक चम्मच पुदीना डालूंगी, 2 चम्मच अमूल मोजरीला चीज डालूंगी, 2 चम्मच मेयोनीज डालूंगी, 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप डालूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, कुछ इस तरह से इसे मिक्स कर लें अच्छे से। अब यहाँ पे मैं 2 पाव लूंगी, पाव को बीच में से कट कर लूंगी, बीच में से ऐसे कट कर लें पाव को। मैं दोनों पाव को कट कर लेती हूँ बीच में से कुछ ऐसे। कट करने के बाद अब मैं इसमें मसाला भर लेती हूँ, चिकन मसाला जो बनाई हुई थी। इस तरह से पाव को खोलें और चम्मच के सहायता से इस तरह से भरें, अच्छे से दबा करके भरें चम्मच की सहायता से। ध्यान रहे कि पाव टूटे नहीं। इस तरह से अच्छे से भर लें। इसके बाद आप इसमें मोजरीला चीज डाल लें, आपको जितना पसंद है उतना डाल सकते हैं। अच्छे से पाव के अंदर मसाला डालें, तभी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। इसके ऊपर भी मोजरीला चीज डाल दूंगी मैं। अभी एक मैं पैन लूंगी, पैन में 1 चम्मच बटर डालूंगी। बटर डालने के बाद पाव को मैं इस तरह से रख दूंगी पैन के ऊपर। पैन में रखने के बाद पाव के ऊपर मैं इस तरह से बटर लगा दूंगी। बटर लगाने के बाद एक बर्तन से मैं इसे ढक दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे। पैन को अच्छे से ढकिए, अगर वो अच्छे से नहीं ढका हुआ रहेगा तो चीज़ अच्छे से नहीं पिघलेगा। आप देख सकते हैं कि चीज़ पिघल चुका है, देखने में कितना यम्मी लग रहा है। एकदम नरम और चीजी पाव बन करके तैयार हुआ है। ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है ये। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है।